मिस्टर अमरेश कुमार परचेज ए बिल्डिंग फॉर 5 लाख इन अक्टूबर 2001. ही हैज स्पेंट 2 लाख फॉर कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल फ्लोर इन 2005. अमरेश कुमार नाम का कोई शख्स है जिसने अक्टूबर 2001 में बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख रुपए खर्चा करके. उसने आगे जाकर कुछ 5 साल के बाद 2 लाख रुपए एडिशनल खर्चा किए और बिल्डिंग पर एडिशनल फ्लोर बनवाया. यह है इम्प्रूवमेंट, इसे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं. फिलहाल उसने पिछले साल उस बिल्डिंग को 45 लाख रुपीज में बेच दिया और बेचने के बाद जो भी पैसे आए उससे उसने 20 लाख रुपए का कोई स्पेसिफाइड एसेट खरीद लिया. ऐसा अक्सर आपको प्रॉब्लम में देगा. इसे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बोलते हैं. कोई एसेट बेचकर जो भी पैसा उसने कमाया, क्या उसने उस पैसे को कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च कर दी या फिर किसी बैंक में जमा कर दी अंडर कैपिटल गेन स्कीम, यानी कि कैपिटल गेन स्कीम के तहत. अगर कभी वो कोई एसेट खरीद लेता है या फिर जमा कर देता है तो वो उसे एग्जेम्पशन दिया जाएगा. लेकिन एग्जेम्पशन अमाउंट अवेलेबल से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, ये रूल है, ये याद रखना. अगर कभी 10 लाख रुपए बचे हुए हैं और उसने खर्चा कर दिया 15 लाख, तो आप 10 लाख तक ही माइनस कर सकते. अगर 10 लाख बैलेंस है, अगर कभी आपका आंसर 10 लाख आ रहा और अगर कभी माइनस करने का आपको 8 लाख आ रहा, यानी कि 8 लाख रुपए उसने जमा कर दिए या खरीद लिए, तो आप आराम से 8 लाख माइनस कर सकते. यानी कि अवेलेबल अमाउंट देखना, अवेलेबल अमाउंट से ज्यादा माइनस नहीं कर देना, समझे. एग्जेम्पशन यानी कि कंसेशन समझ सकते हैं आप, डिस्काउंट समझ सकते हैं. डिस्काउंट उस हद तक ही दिया जा सकता जिस हद तक बैलेंस अवेलेबल है. तो अब ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ध्यान से देख लेना. सबसे पहले लिखते कंसिडरेशन रिसीव्ड. कंसिडरेशन रिसीव्ड का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी को उसने कितने में बेचा. उस प्रॉपर्टी को उसने बेचा 45 लाख रुपीज में. फिर इसमें से लेस कर दिया जाता सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में देगा आपको, कुछ परसेंटेज में देगा या कभी कभी अमाउंट में भी दे सकता. अगर कभी परसेंटेज में दिया तो इस पे ही कैलकुलेट करके लेस कर लेना, अमाउंट में देगा तो बहुत खुशी की बात है. बहरहाल ये प्रॉब्लम में तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसे एज इट इज उतार देता हूं. ये है आपका नेट कंसिडरेशन. इसके बाद में आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स. दरअसल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ बोलेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि उस प्रॉपर्टी को उसने कितने में खरीदा था. उस प्रॉपर्टी को उसने खरीदा था 5 लाख रुपए में. कभी कभी इसकी मार्केट वैल्यू भी देता. अगर मार्केट वैल्यू दिया तो मार्केट वैल्यू ओरिजिनल खरीदा सो वैल्यू भूल जाना और मार्केट वैल्यू ले लेना. तो 5 लाख इंटू 289, ये प्रॉब्लम 1 साल 2 साल पुराना है, इसे मत देखो. अभी आपको लेटेस्ट 289 ही देगा वो, तो इंटू हमेशा 289 से करना. और ये कब की प्रॉपर्टी है, 2001 की प्रॉपर्टी है, तो जमाने में इंडेक्स 100 रहता, याद रखो, डिवाइडेड बाई 100. वैसे इसमें दे भी दिया होगा 2001 में इंडेक्स, 2001 दो में 100 है, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा अब 5,289 डिवाइडेड बाई 14,45,000. अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी करना. क्या उसने पैसे खर्चा किए मकान को बनाने में या एडिशनल फ्लोर ऐड करने में, कुछ ऐसा कुछ खर्चा करे तो उसने किया 5 साल के बाद एडिशनल फ्लोर बनाने में 2 लाख रुपए. 2 लाख रुपए इंटू 289 डिवाइडेड बाई, वो जमाने में इंडेक्स था 117, तो 2 लाख रुपए इंटू 289 डिवाइडेड बाई 117, ये हो गया 494017. अब ये दोनों को ऐड करके इधर लिखना और माइनस कर देना. 14,45,000 प्लस 494017, 19,39,017, यानी कि 17 रुपीस. इसमें से इसको लेस करने के बाद हो जाएगा
2560983, 25,06,943 यह है आपका कैपिटल गेन। अब इसमें से अगर कभी उसने कुछ कुछ खर्चा किया है, कोई एसेट खरीदा है, बैंक में जमा किया है, तो उसे माइनस कर देना। इसे कहते हैं एग्जेम्पशन लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। उसने एक स्पेसिफाइड एसेट खरीदी थी, एसेट खरीदा था कितने में, 20 लाख रुपए, 20 लाख यानी कि 25 लाख अवेलेबल है। आप 25 लाख तक माइनस कर सकते हैं, आप 26 लाख माइनस नहीं कर सकते, आप 30 लाख माइनस नहीं कर सकते, जितना अवेलेबल है उतना माइनस कर सकते। तो यहां पर खाली 20 लाख की बात हो रही, तो आप पूरे 20 लाख माइनस कर सकते हैं। 560983 यह आंसर है, यह है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर कभी किसी वक्त मान लीजिए 26 लाख माइनस करना है आपको, तो 25 लाख 6000 ही वापिस लिख के जीरो कर देना, लेकिन आंसर माइनस में नहीं डालना, यानी कि जो अवेलेबल है उससे ज्यादा माइनस करने का आपको हक नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। एक और प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूं, देख लो। कहता हूं श्रीमती ज्योति एज 42 ईयर ओन्ड ए रेसिडेंशियल हाउस एट हरिद्वार सिटी, इट वॉज एक्वायर्ड बाई हर ऑन 6/7/2004 फॉर 12,43,000, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 113। श्रीमती, क्या नाम है इसका, श्रीमती ज्योति 42 ईयर्स की एक महिला है, हरिद्वार शहर की रहने वाली। उसने मकान खरीदा था 6 जुलाई 2004 के दिन 12,43,000 रुपए में, उस जमाने में इंडेक्स हुआ करता था 113। ऑन 3 दिसंबर 2019, ये डेट याद रखना, 2019 के दिन दिसंबर 3 तारीख, She entered into a contract to sell the house to Mr. Pradeep for 40 lakh. उसने एक सौदा किया, एक एग्रीमेंट किया मिस्टर प्रदीप नाम के किसी शख्स के साथ, और सौदा यह तय किया कि 40 लाख रुपए में वो अपना मकान उसे बेच देंगी। 1.5 लाख रुपए एडवांस के तौर पे भी रख लिए गए, लेकिन ड्यू डेट के पहले ही प्रदीप ने अपनी अनविलिंगनेस यानी कि इच्छा जाहिर कर दी कि वो मकान खरीदने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है, वो मकान खरीदना नहीं चाहता है, जिसके चलते उसने 90,000 रुपए एडवांस उसके फॉर फीचर कर दिए, यानी कि जब्त कर लिए, खा गए। किसने, श्रीमती ज्योति ने। श्रीमती ज्योति ने 1.5 लाख रुपए एडवांस लेके रखे थे उसके पास से, और जब उसने ये कह दिया कि वो मकान खरीदना नहीं चाहता है, तो उसने पूरी रकम वापिस नहीं की, 90,000 रुपीज उसके उसने खा गए, फर्फीचर कर दी है। तो ये 90,000 दरअसल परचेस में से माइनस करने होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता कि उसने ये एग्रीमेंट कब किया। अगर कभी वो एग्रीमेंट साल 2014 का है या उससे पहले का है, साल 2014 के पहले का एग्रीमेंट है, तो जो भी वो फर्फीचर करके वो पैसे खा जाएंगी वो परचेस वैसे माइनस किए जाएंगे, लेकिन साल 2014 के बाद का अगर कभी एग्रीमेंट है, तो उस रकम को जो उसने एडवांस के तौर पे खा गए, उस रकम को टोटल इनकम में शामिल किया जाएगा। फिलहाल कैपिटल गेन में उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप कैपिटल गेन का प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो 90,000 का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा इसमें। हाँ, अगर वो एग्रीमेंट 2019 की बदले 2013 का 12 का हुआ होता, तब वो 90,000 परचेस में से माइनस होते थे। परचेस यानी कि ये अमाउंट 12,43,000 इसमें से माइनस होते थे। फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट साल 2019 का है। अब आगे देखिए, ऑन 2 मार्च 2020 श्रीमती ज्योति सोल्ड द सेम हाउस टू मिस्टर वर्मन फॉर 60 लाख एंड स्टेट गवर्नमेंट वैल्यूएशन फॉर 72,000। तो वर्मन नाम के दूसरे शख्स को श्रीमती ज्योति ने अपना मकान आखिरकार बेच दिया। श्रीमती ज्योति का कहना है कि उसने 60 लाख में उस मकान को बेचा, जबकि गवर्नमेंट वैल्यूएशन है 72 लाख। हम गवर्नमेंट वैल्यूएशन को फॉलो करना, 72 लाख में बेची समझकर चलना। 15 मार्च 2020 शी परचेज रेसिडेंशियल हाउसिंग चेन्नई, ये अक्सर होता।
मकान बेचने करने के बाद, प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसे आते हैं, उसने उस पैसे का इस्तेमाल किया, स्मार्टली उसे इन्वेस्ट किया चेन्नई नाम के शहर में। 38 लाख का एक मकान खरीद लिया और 12 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैपिटल गेन स्कीम के तहत जमा भी कर दिए, तो वो आपको डिडक्शन देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लिखेंगे कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो कितने में आखिरकार उसने वो प्रॉपर्टी बेची? 72 लाख रुपए। इसमें से लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, शायद ये प्रॉब्लम में भी सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, सेलिंग एक्सपेंसेस ये प्रॉब्लम में भी नहीं है। 72 लाख, ये हो गया नेट कंसिडरेशन। अब हम लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में उसने वो मकान खरीदा था? 12 लाख, 12,43,000 है, इनटू 289 डिवाइडेड बाई, कब खरीदा था? साल 2004 में, उस जमाने में इंडेक्स था 113। 12,43,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 113, ये हो गया आपका 31,79,000। लेस करने के बाद हो जाएगा 40,21,000, ये होगा कैपिटल गेन। अब हम लेस करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। अगर वो एग्रीमेंट जो एडवांस खाया था वो साल 2014 के पहले का हुआ होता तो इसमें से मैं लेस करता था वो 90,000, फिर 289 डिवाइडेड बाई 113 करता था। बहरहाल अभी आगे बढ़ना है और उसने 38 लाख का एक छोटा मकान खरीदा, स्मॉल हाउस, 38 लाख रुपए का, और बैंक डिपॉजिट भी कर दिया कैपिटल गेन स्कीम के तहत, यह है 12 लाख, ये दोनों मिलकर के 50 लाख हो गए। लेकिन 50 लाख माइनस नहीं कर देना, 40,21,000 ही लिख के माइनस करना, इन दोनों में से जो भी कम है वो माइनस किया जाता, इसका टोटल तो 50 लाख हो गया था, लेकिन 50 माइनस नहीं करते, जो अवेलेबल है उतना ही माइनस करने की इजाजत है। तो ये हो गया जीरो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हुआ जीरो, यानी कि बढ़ के आप माइनस नहीं कर सकते। कम है, अगर 25 लाख है, 30 लाख है, 35 लाख है, माइनस कर सकते थे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है।